थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा कि ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में देख लोगे, और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं। बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि ये क्या कहता है। यीशु ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं बोला, मैं तुमसे कहता हूं कि क्या तुम आपस में मेरी बात की निस्बत पूछपाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में देख लोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोओगे और मातम करोगे मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो दर्द को भूल जाती है। इस खुशी से कि दुनिया में एक बच्चा पैदा हुआ उस दर्द को फिर याद नहीं करती। बस तुम्हें भी अब तो गम है मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी उस खुशी को कोई तुमसे छीन ना लेगा। जब वो दिन आएगा उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे तमसीलों में कही, वो वक्त आता है कि फिर तुमसे तमसीलों में ना कहूंगा बल्कि साफ साफ तुम्हें बाप की खबर दूंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे। और मैं ये नहीं कहता कि बाप से तुम्हारे लिए दरख्वास्त करूंगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है, क्योंकि तुमने मुझको अजीज रखा है और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। उसके शागिर्दों ने कहा, अब तू साफ साफ कहता है और कोई तमसील नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इस सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। क्या तुम अब ईमान लाते हो? देखो वो घड़ी आती है बल्कि आ पहुंचे कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं।